अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आई एम टूबा मंसूर, योर इंग्लिश टीचर। आप लोगों के साथ मेरा आज 10th लेक्चर है और आई होप आपको पिछले सब्जेक्ट का समझ आ रहा होगा, ताकि आप फॉलो कर रहे हैं। और अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। एंड सब जो क्वेरीज हैं आपकी, कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या, आस्किंग परमिशन, गिविंग एंड रिसीविंग परमिशन। ठीक हो गया, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट स्लाइड दैट सेज परमिशन इज वन सच कॉमन फंक्शन दैट वी यूज एवरी सिंगल डे। ठीक है, एवरी डे वी आस्क, कैन यू डू दिस और मे आई डू दैट। देयर आर टू क्वेश्चंस, दीस टू क्वेश्चंस आर यूज्ड बिलियंस एंड अराउंड द ग्लोब। ठीक है, हम परमिशन आप हर चीज़ के लिए लेते हो, छोटे होते वक्त से, जब आप छोटे थे बचपन से लेकर अभी तक आप हर चीज़ की परमिशन ऑब्वियसली किसी ना किसी से लेते हो। व्हेन यू वर इन स्कूल आप पूछते थे, मे आई गो समवेयर, या मे आई टेक दिस, या मे आई डू डू दिस, आप मतलब या कैन आई डू दिस। अभी भी आप जो है कुछ ना कुछ करने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो परमिशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे हमारे उसमें कल्चर में, हर कल्चर में, हर पूरे वर्ल्ड में, कि हमें परमिशन चाहिए होती है किसी ना किसी की। ठीक हो गया, अब क्या करते हैं, वी आस्क परमिशन मैनी वेज, इन मैनी वेज, एंड द वे वी आस्क डिपेंड्स फॉर द पर्सन वी आर एड्रेसिंग। ठीक है, हम देखते हैं अगर किसी हम पर्सन पे डिपेंड करता है, जो पर्सन आपके सामने है, आप उस पर कि मतलब वो आप उसे कैसे परमिशन दे रहे हो, क्या तरीका है आपका परमिशन देने का, और जो भी बात है। ठीक हो गया, फिर क्या करते हैं, रीड सम द कॉमन एक्सप्रेशन फॉर आस्किंग परमिशन, देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर आस्किंग परमिशन। सो कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू माइंड इफ आई स्मोक, या इज इट ओके इफ आई सिट हियर। ठीक हो गया, समझ आ गई बात पे। होता ही है कि आपके पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, तो जब आप डिफरेंट एक्सप्रेशंस यूज करते हैं परमिशन देने के लिए, उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, कैन आई आस्क, डू यू माइंड, या कुछ टाइप की बात, इज इट ओके, मतलब आप डिफरेंट वे में किसी से परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो हर किसी का जो है वो तरीका डिफरेंट होता है, और हर जो अगला बंदा बैठा होता है जिससे आप परमिशन ले रहे हो, उससे लेने का भी जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक हो गया, अब इसमें क्या बात करते हैं हम, एक्सप्रेशंस फॉर गिविंग परमिशन। अब एक्सप्रेशंस क्या है कि श्योर, हमें क्या होता है कि अगर हम किसी पूछ रहे हैं तो वो आगे से रिस्पांस क्या आएगा उसका, श्योर, गो अहेड, आप कर सकते हैं, पॉजिटिव रिस्पांस की अगर हम बात करें तो सर्टेनली, नो प्रॉब्लम, ऑल राइट, ऑफकोर्स नॉट, ऑफकोर्स। ठीक हो गया, जो हमने परमिशन ली है, अब उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास अब बात क्या आती है कि आप डिफरेंट तरीके से आप करते हो, परमिशन लेते हो, लेकिन रिस्पांस भी डिफरेंट तरीके हैं आपको रिस्पांस देने के। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर रिफ्यूजिंग परमिशन। अब हम रिफ्यूज की बात करते हैं, अगर बंदा आपको रिफ्यूज करता है उसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, आई वुड रादर यू डिडंट, सॉरी, नो, यस, आई डू माइंड, मतलब इस टाइप के डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ताकि डिफरेंट एक्सप्रेशन से ये कि अगला बंदा अंडरस्टैंड करने के, हाँ, इस बंदे ने परमिशन दी है नहीं दी। ठीक हो गया, आस्किंग एंड गिविंग परमिशन, डू यू, अब एक हम मिस्टर ए हैं, डू यू माइंड इफ आई यूज योर कंप्यूटर, बी कहेगा यस ऑफ कोर्स, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। ठीक हो गया, उसने परमिशन दे दी, उसने कहा हाँ आप यूज कर सकते हैं, ले लें और आप अपने अकॉर्डिंग दे दें। ठीक हो गया, आस्किंग एंड रिफ्यूजिंग पर भी, हम रिफ्यूज की बात करते हैं, जब डू यू माइंड इफ आई यूज योर कंप्यूटर, बी कहेगा आई डू माइंड, इट्स वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। ठीक हो गया, डिफरेंट वेज हैं आपको रिफ्यूज करने के भी, आपकी और आपके परमिशन को एक्सेप्ट कर वो परमिशन देने के भी। फिर बी ए मिस्टर ए इज आस्किंग, कैन आई यूज योर कंप्यूटर, अब बी कहेगा नो यू कांट, आई एम वर्किंग। ठीक हो गया, अब डिफरेंट वे में रिफ्यूज भी करते हैं आप, परमिशन भी देते हैं। रिफ्यूजिंग परमिशन की अब हम बात करते हैं, रिफ्यूजिंग परमिशन कैन बी वेरी ट्रिकी। ठीक हो गया, जो रिफ्यूजिंग परमिशन है
मतलब ट्रिकी हो, इफ इट इज रिफ्यूज इन अ वेरी रफ अब्रप्ट मैनर द अदर पर्सन विल प्रोबेबली फील हर्ट एंड इंसल्टेड. A friendlier way to refuse permission is to use the phrase, I would rather you didn't because I'm doing on an important work at the moment. अगर आपसे कोई कंप्यूटर की बात करेगा नहीं, use your laptop, तो आप कहेंगे I would rather you didn't because I'm doing important work on my computer at the moment. ठीक हो गया. मतलब अगर आप पॉजिटिव नोट के साथ जो है वो करें तो इट मीन्स के जो है ना, मतलब अगला बंदा जो है, मतलब अगले बंदे को समझ आ जाए, वो हर्ट भी ना हो सके कि मैंने इसे पर कंप्यूटर मांगे उसे मुझे दिया नहीं है. ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. दीज शॉर्ट डायलॉग्स एंड नोटिस अ फ्रेंडलियर वे टू रिफ्यूज परमिशन. आप कभी भी नेगेटिव परमिशन, नेगेटिव जो है ना वो ना बोले किसी को. कोई भी बंदा आपसे कोई बात कर रहा है, किसी भी तरह की परमिशन या सीख कर रहा है आपसे, तो आप कभी भी नेगेटिव नोट से स्टार्ट करके नेगेटिव पे एंड ना करें. आप क्या करें, दरमियान में अगर आपने परमिशन नहीं देनी, आप उसे पॉजिटिव वे में ट्रीट करके, ताकि अगला बंदा हर्ट भी ना, और आप उसे पॉजिटिव वे में ट्रीट कर लें और सब अच्छा जो है वो एक्सप्रेशन चला जाए आपका. ठीक हो गया. रूड बिहेवियर आपने किसी भी जगह पे कहीं पे भी लाइफ में आपने कभी रूड नहीं होना. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मिस्टर ए इज आस्किंग इट्स बिट हॉट, डू यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो, बी वेल आई वुड रादर यू डिड, यू सी इट्स समर एंड यू माइट गेट अ लॉट ऑफ इंसेक्ट्स कमिंग इन, बट आई विल स्विच ऑन द एयर कंडीशन इफ यू लाइक. ठीक हो गया. अगर एक ने परमिशन मांगी है कि कहना ही ओपन द विंडो, तो गर्मी, गर्मियों में क्या वो कह रहे हैं कि इंसेक्ट आ जाते हैं, अगर आपको गर्मी लग रही है तो मैं आपको एसी ऑन कर देता हूँ, मतलब इंसेक्ट आ जाएंगे. मतलब आप उसके पॉजिटिव वे में उसका जो सोल्यूशन भी निकालती है और वो हर्ट भी नहीं हुआ होगा. ठीक है, आप उसे जो ए मिस्टर ए है उसको गर्मी भी लग रही नहीं होगी. इज इट ओके इफ आई स्मोक, बी वेल आई वुड रादर यू डिडंट smoke in the house, do you think you can, you could go outside and smoke. वो कह रहे हैं कि मतलब घर में आप smoke ना करें, आप बाहर चले जाएं. मतलब उसको ये नहीं कह रहे कि आप smoke करें ही ना, आप करें, लेकिन आप करें बाहर जाकर करें, ताकि घर भी आपको मतलब stinky ना हो जाए smoking की वजह से, या जो भी reason होगा. ठीक है. While refusing permission, you may add a short hesitation phrase, well, other possibilities could be actually well to tell you the truth. Use the phrase, I would rather you did. Or, iske alawa, offer, give a reason. Reason zarur de, unka solution bhi zarur de. Offer an alternative, alternate zarur batae. I'll switch on the air conditioning. Phrase, so, aapne alternate bataya, aapne solution de diya hai. Aapne smoking ka bhi dekha, aapko main mana nahi karega, aap smoking mat kare, but if you want, you can go outside the house. उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे जी मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स यूज व्हेन वी एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी. जब कंफर्मेशन कुछ नहीं होता, पॉसिबिलिटी भी बताते हैं और इम्पॉसिबिलिटी भी, तो हम उसे मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज मॉडल वर्ब्स टू आस्क ग्रांट और रिफ्यूज परमिशन. परमिशन लेने के लिए भी हम यूज, वी कैन यूज द मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी कैन इन आस्किंग एंड गिविंग परमिशन इनफॉर्मली एंड इन मेकिंग रिक्वेस्ट. कैन यूज करते हैं जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, परमिशन ले रहे हो. ठीक है. कैन यू लीव अर्ली, इन अदर वर्ड्स यू कैन से डू यू हैव परमिशन टू लीव अर्ली. मतलब आपको समझ आ रही है कि ये आप कह रहे हैं कि पूछने, कैन यू लीव अर्ली कि मैं जल्दी जा सकता हूँ. और दूसरा तरीका इससे इनफॉर्मल तरीके, डू आई हैव योर परमिशन टू लीव अर्ली. ठीक हो गया. यस यू कैन लीव एट, यू कैन लीव एनी टाइम आफ्टर 3. In other words, it means, yes, you have permission to leave anytime after 3 in formal language. Okay? Can you tell me the time? In other words, it means, please tell me time. Informal. आप मॉडल अब्यूज कर रहे हो, फॉर्मल यूज कर रहे हैं, फॉर्मली कोई परमिशन सीक कर रहे होते हैं. Can I leave early? In other words, you can say, do you have permission to leave early? ये बात होगी. Yes, you can leave anytime. You can leave anytime after 3. In other words, it means, yes, you have permission to leave early anytime after 3. Informal way mein ho jayega. Please remember, informal is not the same as impolite. Theek ho gaya. Ab isme hamare paas baat ye hoti hai ki informal speech is used in relaxed and friendly situations.
एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट इनफॉर्मल वे, इनफॉर्मल स्पीच जो होती है वो रिलैक्स करने सिचुएशन में होती है. इनफॉर्मल वे ऑफ टीचिंग, फॉर्मल वे ऑफ गिविंग परमिशन इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल. फॉर्मल स्पीच इज यूज टू शो रिस्पेक्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव स्टडीड द फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग द लेटर, फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग एनी थिंग. तो आप जब आप इनफॉर्मल फॉर्मल कोई भी चीज देखते हैं तो यू नीड टू टेक अप सम सच स्पेसिफिक वर्ड्स. आपकी वर्ड चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि अगला जो आपका जो फॉर्मल स्पीच है वो देख के सुन के पढ़ के जो है उसको रिस्पेक्ट का एलिमेंट शो हो. ये नहीं होता कि आप डिसरिस्पेक्ट किसी को शो करें इनफॉर्मल वर्ड या स्लैंग वर्ड्स यूज करके. इससे होता है कि इम्पोलाइट स्पीच इज एंग्री, रूड एंड प्रोबेबली इंसल्टिंग. Informal speech of words is rudely somehow and somehow insulting. You need to take up some words which are actually not rude. और इसमें होता है कि आप कोई rude expression use ना करें ताकि जो अगला बंदा है वो impolite behavior आपका देख ना सके. अच्छा, let's move towards the next slide. That's about the structure and the future continuous tense. When you talk about present, simple present sentences that are about definite, casual, timetable and use contain future words. इसमें बात हम ये करते हैं कि जब हमने पढ़ा है, already we have discussed it, कि present, simple present में आप बात करते हो, कुछ specific आपका जो routine होती है या आपका कोई ऐसा schedule होता है, timetable होता है जिसमें आपने वो चीजें वो words use करने होते हैं. For example, the train leaves Sakhar at 9 PM tonight. ठीक है, जमाल स्टार्ट वर्क नेक्स्ट वीक. एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड यू हैव टू एड एस इन द विद द वर्ब टू मेक इट सिंपल प्रेजेंट टेंस. वेन एवर यू टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी होता है स्टेंसेंट टेंस दैट आर अबाउट अ डेफिनेट प्लान और अरेंजमेंट. ठीक है, यूजली कंटेन फ्यूचर वर्ड. इसमें फ्यूचर वर्ड की बात करते हैं हम. Or future tense is used to understand the future words. Future word is to contain future words. Or future is understood from the context. आप context से जो है वो decide करते हो कि आपका क्या चल रहा है इसमें. ठीक है, और आप कुछ words ऐसे use करते हो जिसमें आप जो है वो आप कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लेते हो कि क्या कॉन्टेक्ट बन रहा है उसका. फॉर एग्जाम्पल, मारिया इज टेकिंग हर मैट्रिक एग्जाम नेक्स्ट ईयर. मारिया ने अपना मतलब एग्जाम ले रही है नेक्स्ट ईयर. ठीक है, तो आप यूज कर रहे हो इसमें भी, लेकिन इट्स टेलिंग अबाउट द फ्यूचर. दे कैन प्ले टेनिस विद यू टुमारो, दे आर वर्किंग. तो क्या इसमें बात करते हैं कि हम बात यूज तो वही वाले वर्ड्स कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस वाले, लेकिन हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो हम फ्यूचर के सम जो वर्ड्स हैं वो ऐसे यू फ्यूचर शो करने के लिए, लेकिन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या ऐसी चीजें यूज करते हैं. समझ आइए इस बात की. इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू द थिएटर ऑन फ्राइडे. हम बात तो है हम बात कर रहे हैं कि हम फ्राइडे को हम जाएंगे थिएटर, लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं, गोइंग. ठीक हो गया. व्हेन द स्पीकर इज मेकिंग अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन एविडेंस, देयर आर क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन. ठीक है, कोई प्रेडिक्शन है, एविडेंस बेस्ड है आपकी, तो क्या क्लाउड्स हैं और बारिश होगी. हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. व्हेन द स्पीकर इज ऑलरेडी हैज एन इंटेंशन और प्लान, वी आर गोइंग टू राइड द रिपोर्ट टुमारो. She has won the lottery. She is going to Dubai. मतलब फ्यूचर की जो है आपकी इंटेंशन है और लेकिन आप बात कर रहे हो. ठीक है, when the speaker is making a prediction, tomorrow will be hot or sunny. People will face severe climatic changes in the next decade. When the speaker decides to do something at the time of speaking and had no previous plan but is spontaneous, hold on, I'll get a pen. Maybe he'll stay longer and watch television. ठीक है, आप prediction की बात करते हो तो इसमें हम use करते हैं will. जैसे हमने चारों में आपस में will use किया.
एंड व्हेन एवर वी टॉक अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, हम बस इसमें देखते हैं इसका यूज, के फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज इन इंग्लिश टू शो दैट यू आर इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग. हम मतलब हमारा कुछ आधा प्लान आधी चीजें हो चुकी हैं एंड वी आर इन द मिडल कि हम कुछ और कर ले. ठीक हो गया. अब क्या होता है इसमें, समथिंग एट द गिवन मोमेंट द एक्शन विल हैव बीन स्टार्टेड एंड इट विल नॉट हैव फिनिश्ड एट द इंस्टेंट. ठीक हो गया. हम क्या बात करते हैं कि आपका जो एक्शन है वो स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तक खत्म नहीं हुआ. इट्स कीप ऑन गोइंग. इट इज फॉर्म विद द ऑक्सिलरी विल फॉलोड बाय अनदर वर्ब इन द इन इट्स आईएनजी फॉर्म. जब भी हम कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जरूर लगाते हैं. व्हेनेवर इट्स प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस, हम पास के साथ आईएनजी फॉर्म जरूर लगाते हैं. फॉर एग्जांपल फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड इन इंग्लिश टू शो दैट यू हैव that you are in the middle of doing something at the moment. The action will have been started and it will not finish. And instead, form the auxiliary verb going to can be used to use instead of will. I'm going to be used for second will. I will be visiting my friend this weekend. I'm going to visit my friend and they will be cooking at 6. They are going to be cooking at 6. Theek ho gaya. How can we form future continuous tense? Read the rules given below. इसमें हम बात करते हैं will be plus verb plus ing. When your plane arrives tonight, I will be waiting for you. ठीक हो गया. अब will be use किया, verb use किया और ing form use किया. I will be waiting for you. फिर इसमें हम next example पे देखते हैं. Am is our continuous going to plus verb plus ing. When your plane arrives tonight, I am going to be waiting for you. ठीक हो गया. हम इसमें going के साथ वही I के साथ am, इसके साथ sorry plural के साथ जो है are और बाकी के साथ singular के साथ is लगाते हैं. We can use either will or going to create the future continuous with little और नो डिफरेंस इन मीनिंग. ठीक हो गया. सब समझ आ गया आपको. मतलब हम विल भी यूज करते हैं, गोइंग टू भी यूज करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है यूज करने में कि आपको समझ आ जाती है. अब देखते हैं यूज वन क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का. द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इज यूज टू इंडिकेट दैट लॉन्गर एक्शन इन द फ्यूचर विल बी इंटरप्टेड. कोई भी जो लॉन्गर एक्शन है वो इंटरप्ट हो सकता है. समझ आ गई. इस बार फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ये भी एक यूज है. I will be watching TV when someone arrives tonight. When she arrives tonight. मैं टीवी देख रहा होगा जब वो पहुंचेगी. Obviously, I will be waiting for you when your bus arrives. ठीक है. I am going to be staying at the best western hotel if you need to contact me. ठीक हो गया. Next पे चलते हैं. Use to specific time as an interruption. As we have said in use one, the future continuous is interrupted by an action. However, we can also use specific time as an interrupt. For example, tonight at 8 p.m. I'm going to be eating dinner. Okay? At midnight tonight, we will still be driving through Mulsanne. समझ आया कि इस साथी के हमने going to use किया है, लेकिन ये हमने specific time इसमें show कर दी interruption के लिए. Use three parallel actions. इसमें क्या बात है? When you use the future continuous with two actions in the same sentence, it means that both actions will be happening at the same time, and so these are the parallel actions. For example, I'm going to be studying while she is making dinner. ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँगा जब तक वो खाना बनाती है. While Sabine is reading, Talal will be watching television. दोनों का जो है आप कह लेंगे parallel actions शो हो रहे हैं. दोनों का action different है लेकिन दोनों में और दो different जो है वो actions perform हो रहे हैं इन एक sentence में. Tonight they will be eating dinner, discussing their plans and having a good time. ठीक हो गया. दो different actions जो हैं वो discuss हो रहे हैं. Atmosphere in English we often use series. इसमें हम बात कर जब हम इसमें बात करते हैं ना कि ये मतलब series of parallel actions to describe atmosphere in future. हम क्या बात कर रहे हैं, हम parallel series की भी बात करते हैं लेकिन उसके साथ एटमॉस्फेयर का एक एलिमेंट जो है वो आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई अराइव एट द पार्टी एवरीबडी इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग,
some will be dancing, others are going to be singing, a few people will be eating tikkas, or several people are going to be talking. हमने इसमें डिस्कस तो हर किसी का एक्शन किया है, लेकिन हमने एटमॉस्फेयर को भी ओवरऑल डिस्क्राइब कर दिया. बट इन फ्यूचर पैरल एक्शन सबसे शो हो रहे हैं, बट इन फ्यूचर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज राइटिंग एन एसे. ऐसे कैसे लिखने हैं, उसके स्टेप्स, उसके कॉम्पोनेंट्स, एवरीथिंग हम डिस्कस करते हैं अभी. एन एसे इज अ पीस ऑफ राइटिंग विद सेवरल पैराग्राफ्स रिटन अबाउट वन टॉपिक. An essay is a piece of writing that generally shows that the writer's view on a particular subject. An essay, therefore, is a collection of your ideas, and these ideas are written in a very logical, coherent way so that they make sense and do not look disjointed. अब इसमें बात होती है, जब हमने पैराग्राफ की बात की थी, हमने पैराग्राफ में यही एलिमेंट्स पढ़े थे, लेकिन पैराग्राफ जो है वो ऐसे का एक छोटा सा पार्ट है आपके लिए. ठीक है, होता वही है, लेकिन आपने हर चीज को कोहेरेंट लेके चलना है, सेंस बनानी है उसकी. आपके आइडियाज आइडियाज ये नहीं होने चाहिए कि एक कहाँ से आपने उठाया आइडिया और रिटर्न करते हैं कि इसके तो आइडियाज मैच नहीं कर रहे. ठीक है, हैप्हैज़र्ड वे में नहीं होना चाहिए, आपकी टू द पॉइंट बात होनी चाहिए और अच्छे तरीके से आपने डिस्कस किया होना चाहिए कोई भी टॉपिक. इन अदर वर्ड्स, व्हाटएवर थॉट्स, आइडियाज एंड व्यूज यू राइट इन एन एसे मस्ट बी वेल स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए, आपने सेंटेंस सारे पढ़ लिए हैं तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का आइडिया है. ठीक है, आप जो भी बात कर रहे हो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता है कि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये वाली बात हो रही है, हमने फ्यूचर को डिस्कस करना है, हमने कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, हमने कौन सी बात हम कर लें, हमने कौन कौन सी चीजें जो है वो यूज करनी है. ठीक है, क्लियर होना चाहिए. प्रेजेंटेड इन अ वे दैट द रीडर फाइंड्स इजी टू फॉलो. अब इसमें आपने इजीली इजी वर्ड यूज करने हैं और आइडियाज आपके स्कैटर्ड नहीं होने चाहिए. ठीक है, योर ऐसे राइटिंग स्किल्स मस्ट बी नीट tidy and readable that the reader can follow it easy. An essay can have many purposes such as to describe, to relate, to analyze, to compare, to contrast, to argue, etc. हमने पैराग्राफ में बातें की थी कि हमारे पास डिफरेंट पर्पजेस होते हैं राइटिंग करने के. डिस्क्रिप्शन आ जाती है, नरेशन भी आती है, कंपेयर कंट्रास्ट आ जाता है, आर्ग्यू भी आ जाता है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज द सेम. नो मैटर व्हाट एसे टाइप ऑफ पर्पजेस, हमारे पास जो भी है ना, हमने बातें वही करनी है, कोहेरेंस होनी चाहिए आपकी. यूनिफाइड पैराग्राफ आपका हर ऐसे का हर पैराग्राफ यूनिफाइड टू द पॉइंट कोहेरेंस उनकी शो होनी चाहिए. मतलब ऐसी बातें हमने हर किसी में करनी है, नो मैटर कोई भी टाइप हो ऐसी. सो रिमेंबर डेट यू मे बी राइटिंग एन एसे टू आर्ग्यू फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सप्लेन द स्टेप्स नेसेसरी टू कंप्लीट टास्क. ईदर वे योर एसे विल हैव द सेम बेसिक फॉर्मेट. फॉर्मेट आपका वही होगा जो हम ऑलरेडी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या चीज है. देर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसे इंक्लूडिंग नैरेटिव एसे, डिस्क्रिप्टिव एसे, पर्सुएसिव, कंपैरिजन कंट्रास्ट एसे, कॉज एंड इफेक्ट एसे. इसमें बात करते हैं, हमारे पास चारों, हम कोई भी नरेट करें, कोई भी इवेंट, कोई भी चीज डिस्क्राइब करें, कोई भी मेथड, कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी ओकेजन, कुछ भी कंपैरिजन कर रहे हैं और हम कॉज एंड इफेक्ट बता रहे हैं. ठीक हो गया. Suppose you are asked to write a 100-word essay about something, someone in your family. Since you only have a limited number of words, you may want to focus on one particular characteristic of that person or one particular incident from that person's life rather than trying to write about the person's entire life. If you have a narrow focus will help, you will automatically write a more interesting and readable essay within the word limit. आपने एक पॉइंट को फोकस करना है. ठीक है, आपको कहा है कि आपने ये करना है, आपने एक पॉइंट को ओनली फोकस करना है. अच्छा, तो क्या करते हैं कि आप क्या करेंगे, जब आप एक पॉइंट फोकस करेंगे तो आपके मन में आइडिया क्लियर होगा कि हाँ आपने इस पॉइंट को फोकस करना है. आपने सिर्फ पर्सनालिटी को ओवरऑल डिस्क्राइब करना है या आपने कोई इवेंट ऐसा बताना उसकी लाइफ का कि जो अगला बंदा जिसको देख के, जिसको पढ़ के हाँ ठीक है इंटरेस्ट शो करे रीडर आपका. ब्रेनस्टॉर्म. Brainstorming is a process of generating new ideas. Brainstorm is the name of given to a situation when a group of people or individuals sit to generate new ideas around a word specific, around a specific area of interest. Using brainstorming techniques, you are able to think more freely and move into new areas of thought and so create numerous new ideas and solutions. ठीक है, इसमें brainstorming में ये कि आपके पास बहुत सारे topics होते हैं different. आप क्या करते हो? आप उसको ब्रेनस्टॉर्म करके न्यू आइडियाज जो है वो जनरेट करते हैं. ठीक है,
एक किसी स्पेसिफिक एरिया में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपके पास फ्रीली आपके पास होता है कि आप फ्रीली जो है वो सोच सको और अपने आइडिया जो है ना वो उसको डिस्क्राइब कर सको, ठीक हो गया? अच्छा, अब हम इसे बात करते हैं। फर्स्ट जो हमारा एसे का पॉइंट होता है वो इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पेपर। इट ऑफन बिगिंस विद अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट द टॉपिक और स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ योर एसे। द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन इज टू लेट द रीडर नो व्हाट द टॉपिक इज। ठीक है, आप रीडर को पता होना चाहिए क्या टॉपिक है। इन्फॉर्म द रीडर अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू। रीडर को इन्फॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अराउज द रीडर्स क्यूरियोसिटी सो दैट ही और शी विल वांट टू रीड अबाउट योर टॉपिक। इन तीनों पॉइंट समझ आ गई है। अब हम चलते हैं बॉडी की तरफ। द बॉडी ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इन विच यू एक्चुअली एड डिटेल्स एंड डेवलप योर आइडियाज पॉइंट बाय पॉइंट। लिमिट इज पैराग्राफ टू वन मेन आइडिया। मेन आइडिया भी आपको समझ में, हर पैराग्राफ में एक ही आइडिया डिस्कस होगा, दो आइडिया डिस्कस करेंगे तो आपका रीडर जो है ये क्या दो बातें इसमें डिस्कस की है, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा आपका पैराग्राफ और यूनिफाइड भी नहीं लगेगा। डोंट ट्राई टू टॉक अबाउट मोर देन वन आइडिया पर पैराग्राफ। यूज ट्रांजिशन वर्ड्स सच एज एंड अगेन एंड देन डिसाइड द इंपॉर्टेंट फाइनली फर्दर फर्दर मोर नॉट टू लास्टली नेक्स्ट फर्स्ट मोर सो ऑन लाइक दैट। द कंक्लूजन इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पेपर। Its purpose is to summarize and reinforce your main points, ठीक है, and give your essay completeness. तीन points में हमने discuss कर लिया, paragraph में भी यही points है, लेकिन आपने paragraph में एक ही paragraph में बात कर दी, यानी इसमें essay में हमारे different paragraphs होते हैं, आपने हर paragraph में different point of view discuss करना होता है और एक point of view पे stuck रहना होता है। फिर एडिट और प्रूफ रीड करते हैं। रिवाइजिंग एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग इन्वॉल्व्स रीथिंकिंग योर आइडियाज, रिफाइनिंग योर आर्ग्यूमेंट्स, रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजिंग पैराग्राफ एंड रीवर्डिंग सेंटेंसेस। यू मे थिंक दैट देयर इज अ नीड टू डेवलप योर आइडियाज इन मोर डिटेल बिफोर एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम्स एंड डिलीट मटेरियल दैट इज अननेसेसरी। रीड योर पेपर आउट लाउड, दिस मेक्स इट इजियर टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स, लुक फॉर केयरलेस एरर्स सच एज मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड इनकरेक्ट पंक्चुएशन एक्सेट्रा। आप इसे एडिट करो, प्रूफ रीड करो, ताकि आप प्रूफ रीड करो, आपको आपको जब आप एक बार लिख रहे हो तो फ्लो में लिख रहे हो, आपको पता नहीं चलता आपने कोई चीज एक्स्ट्रा लिखी है, कोई चीज स्किप कर दी है, क्या पता है आपको प्रूफ रीड करते थे कोई बात माइंड में आ जाए, आप इसमें ऐड कर रहे हो कोई चीज ऐसी हो जो आपको लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा हो गया, आप उसे डिलीट कर दो, ठीक है। स्पेलिंग्स को देख लो, ग्रामर को देख लो, प्रूफ रीड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस थ्रू विच द राइटर इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक इन द पैराग्राफ वन, लेबल इट एज इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आपने बताने, देर आर सेवन पैराग्राफ्स, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ, लेबल इट विद माय मेन आइडिया, ठीक हो गया। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मेन आइडियाज ऑफ ऑल द पैराग्राफ्स, फाइंड आउट द सपोर्टिंग डिटेल फॉर ईच मेन आइडिया, लेबल इट एज एसटी। आपकी आसानी के लिए ये अब्रीवेशन के लिए, ताकि मतलब आपको समझ आ जाए कि हाँ जी ये चीज है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टुडे। और आज आप लोगों ने क्या पढ़ा है वो हम उसको ओवरऑल देख लेते हैं। अच्छा जी, आज हमने जो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे आज पढ़ा है वो हमारे पास आती है परमिशन एंड गिविंग रिफ्यूजिंग परमिशन की बात आ जाती है। जब हम परमिशन की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं परमिशन लेने के भी, परमिशन देने के भी, और परमिशन को रिफ्यूज करने के भी, ठीक हो गया। हमने ओवरऑल ये बात की। अब हम क्या करते हैं इसमें कि जैसे खाने क्या नहीं आज क्वेश्चन, डू यू माइंड इफ आई स्मोक, इज इट ओके इफ आई स्मोक, देयर डिफरेंट एक्सप्रेशन से कॉन्सियस क्वेश्चन पूछे गए, मतलब परमिशन ली गई है, और आप क्या करते हो, आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव वे में जो है वो रिस्पॉन्स करते हो। लेकिन अगर आपने रिफ्यूज भी करना है उसको, तो आप क्या करोगे, आप उसे पॉजिटिव वे में रिफ्यूज करो ताकि अगला बंदा हर्ट ना हो जाए, ठीक हो गया। पॉजिटिव वे में अगर आप परमिशन दे दो तो वो वेरी गुड है। अगर आपको लगता है कोई मजबूरी आप परमिट नहीं कर सकते उसको, तो आप फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्ले आउटसाइड एंड इट्स रेनिंग, तो क्या होगा, इट्स द विंटर सीजन, आप उसकी मदर उसको कैसे कन्वेंस करेगी, हाँ इट्स रेनिंग आउटसाइड so you can't go, you have to stay at home, otherwise you can you will become ill, ठीक हो गया। मतलब तरीका होता है आपको रिफ्यूज करने का भी। हमने एग्जाम्पल्स देखी थी ओवरऑल कि जब आप रिफ्यूज करते हो तो आपने किस तरीके से रिफ्यूज करना है, ठीक है, ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए कि हाँ आपने उसको हर्ट भी नहीं किया और आपने ओवरऑल
जो है वो देख लिया कि हाँ ठीक है, इसको जरूरत थी देने की परमिशन या मजबूरी में नहीं थी। जैसे लैपटॉप वाली एग्जाम्पल हमने की कि आपका कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ अगर फ्री है तो, आप हाँ आपके हाँ यस आप यूज करें, ठीक है। इस तरह की नेगेटिव बातों पे नहीं जाना आपने, तो भी नेगेटिव वे में कभी भी आप किसी भी चीज का रिस्पॉन्स ना करें। वट एवर यू आर राइटिंग, जब भी आप राइटिंग करें आपने रूडली एटीट्यूड आपने अपने अपने एक्सप्रेशन में शो नहीं करना किसी भी जगह पे, चाहे वो अगर आपको लगता है कि कोई बात कोई फ्लॉ है किसी चीज में, कोई गलत बात है, तो आप उसे पॉजिटिव नोट से लेकर एंड पे नेगेटिव पे मैं आपने फ्लॉज बता के इसको नोट भी आपने पॉजिटिव एंड में करना, ठीक होगा। क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन की बात हम देख चुके हैं। फिर हमने डिफरेंट तरीके देखे थे कि हम कैसे फ्रेंडलियर वे में रिफ्यूज कर सकते हैं परमिशंस को। हम ये कह सकते हैं आई वुड रादर यू डिड, वेल आई वुड रादर यू डिड यू सी इट समर एंड यू माइट, मतलब आपने डिफरेंट आपका एक्सप्रेशन, ये नहीं कि सिर्फ राइटिंग की बात करते हैं। अगर आप ओरली भी बात करो किसी को परमिशन देनी हो या ना देनी हो, तब भी आप ऐसे वर्ड यूज करो कि अगला बंदा आके कि हाँ ठीक है इसने मुझे बात समझाई है। जैसे वो हमने एसी वाली एग्जांपल की थी कि हाँ ठीक है सही है गर्मी लग रही है, यू कैन स्विच ऑन द एसी बट प्लीज डोंट ओपन द विंडो क्योंकि इंसेक्ट आ जाएंगे, इंसेक्ट आ जाएंगे ऑब्वियसली सब सबको फिर वो होगा। इसलिए मतलब आप इस तरह बात को ट्रीट करो, अगर मतलब हर्ट ना हो उसकी फीलिंग्स को कभी हर्ट ना, आपने रूडली कभी भी किसी से रिस्पॉन्स होगा चाहे वो जो भी हो फ्रेंड्स हैं आपके, आप कहीं फॉर्मली कोई बात करते हो इंटरव्यू में जाते हो कोई भी आपने डिस्कस किया, रूडली आपने कभी भी अपना एक्सप्रेशन ओरल लिपिड दोनों रूडली नहीं रखे। फिर हमने मॉडल वर्ब्स की बात की थी, मॉडल वर्ब हमारे पास कैन वुड हमारे पास क्या आ जाएगा विल वुड फिर माइट, इस तरह के यहाँ पर जो है ना मॉडल वर्ब को ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उसका जो वो परमिशन में उसका जो है ना वो बहुत अगर बोला कैन हम मे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मे कैन बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम सीटिंग परमिशन में, ठीक हो गया। फिर हमारे पास इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की बात आ जाती है। इनफॉर्मल में ये होता है कि आप जो है आपका थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज होता है, लेकिन एक इनफॉर्मल में प्लीज टेल मी द टाइम, अगर हमने इनफॉर्मल में प्लीज टेल मी द टाइम, मैं आपसे पूछूंगी प्लीज टेल मी द टाइम। लेकिन अगर आपने इसे फॉर्मल में करना है तो आप कहेंगे कैन यू प्लीज टेल मी द टाइम या कैन यू टेल मी द टाइम, ठीक है। आपने मॉडल वर्ब यूज करने हैं फॉर्मल वे में अगर आप परमिशन सीख करते हैं। फिर हम बात करते हैं इनफॉर्मल, आपका जो है ना इनफॉर्मल इज नॉट द सेम एज इम्पोलाइट, ठीक है। इनफॉर्मल का मतलब इम्पोलाइटनेस नहीं होता, इनफॉर्मल में आप वर्ड ऐसे यूज करते हो कि मतलब उसमें लगता है कि आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, इम्पोलाइटनेस उसमें नहीं आती है। हमने इससे बात की है कैन यूज करके हम कहते हैं फॉर्मल वे में कैन यू प्लीज ओपन द विंडो, या हम कहते हैं कि ओपन द विंडो प्लीज, हम ये कहते हैं कैन यू ओपन द विंडो मॉडल वर्ब यूज के ये फॉर्मल है, कैन यू प्लीज ओपन द विंडो ये हमारे पास फॉर्मल है। अगर हम सिर्फ ये कहें प्लीज ओपन द विंडो तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। हमने बदतमीजी या इनपोलाइटनेस के एलिमेंट में नहीं जाना, ठीक हो गया। फ्रेंडली सिचुएशन में हमने इनफॉर्मल यूज करनी है, रिलैक्स वे में, ठीक हो गया। रिस्पेक्ट का एलिमेंट कभी हाथ से नहीं जाने देना आपने, चाहे वो ओरल एक्सप्रेशन है चाहे वो रिटन एक्सप्रेशन है। एंग्री रूड और इंसल्टिंग आपने रिमार्क्स कभी भी किसी को नहीं देने चाहे वो ओरल है चाहे वो रिटन है। उसके बाद हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात की थी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमारे पास जो सिंपल फ्यूचर है, पहले हमने डिस्कस किया कि सिंपल फ्यूचर में हमारे पास टाइम टेबल सॉरी प्रेजेंट सिंपल हम टाइम टेबल रूटीन और मतलब ऐसे स्केजुअल की बात करते हैं, लेकिन हम इन टाइम टेबल यूजली कंटेन फ्यूचर वर्ड्स, ठीक है। द ट्रेन लीव्स सफर एट 9, मतलब हम रूटीन वाइज बात कर रहे हैं पर इसमें कि द ट्रेन हम इसमें ये कहते हैं द ट्रेन विल लीव सफर एट 9 PM टू नाइट, इट्स ओके ये भी चलेगा हमारे पास। हम दोनों लीव्स भी यूज करते हैं विल लीव भी यूज करते हैं, बट इफ इट्स द केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक हो गया। फिर हमने बात की थी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम फ्यूचर वर्ड्स यूज करते हैं गोइंग टू, गोइंग इज अ कॉन्टिन्यूस टेंस चाहे वो प्रेजेंट है चाहे पास्ट है चाहे फ्यूचर है, हम आईएनजी फॉर्म विद द वर्ब हमेशा यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं गोइंग टू, हम हमेशा यूज करते हैं गोइंग टू, गोइंग टू इज द यू कैन से विल का वो सेकेंड पार्ट है कि विल वाला मतलब गोइंग टू के साथ शो होता है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। फिर हम बात करते हैं इट इज गोइंग टू रेन, देर आर क्लाउड इट इज गोइंग टू रेन, हमने दो एविडेंस की बात की प्रिडिक्शन की बात की कि क्लाउड्स है तो इट विल गोइंग टू रेन या इट इज गोइंग टू रेन दोनों हो जाएगा। फिर हमने प्रिडिक्शन की बात वही की कि टुमारो विल बी हॉट एंड सनी, पीपल विल फेस फेयर क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। हमने फ्यूचर की बात कर ली, हम विल की बात करते हैं प्रिडिक्शन के लिए।
फिर हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात की कि हम जो है एक्शन है वो स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ, किसी पॉइंट पे नहीं पहुंचा, ठीक हो गया। गोइंग टू मतलब यूज करते हैं और इट विल भी यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही विल गोइंग टू ही विल रीच ही विल बी रीचिंग देयर एट, मतलब अभी कॉन्टिन्यूस है, अभी चल रहा है वो एक्शन अभी एंड नहीं हुआ, वो स्टार्ट हुआ है पास का या अभी स्टार्ट हो रहा है, पर लेकिन वो अभी एंड नहीं हुआ या स्टार्ट होगा और वो एंड होगा वहां भी। देखिए हमने माइंड में बना लिया आई विल बी विजिटिंग माय फ्रेंड दिस वीकेंड, हमने वो बात माइंड में बना ली, हमने प्लान आउट कर लिए, बट हमने अभी प्लान को वो जिसके अंदर ना अभी उसके अमल नहीं किया, हम उस तक पहुंचेंगे अभी फ्यूचर में, हम उस तक पहुंचेंगे और फ्यूचर में वो एक्शन खत्म होगा। फिर हमने बात की थी कॉन्टिन्यू सेक्शन में कि व्हेन योर प्लेन अराइव्स टुनाइट आई विल बी वेटिंग फॉर यू, हमने बात इसलिए की है कि दो आपके पास आइडियाज हैं, दो एक्शंस हैं, मतलब व्हेन योर प्लेन राइड्स आई विल बी वेटिंग फॉर यू, दो आइडियाज हैं, दो एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं लेकिन हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में शो किया इसको। फिर हम कहते हैं लॉन्गर एक्शन की बात करते हैं, आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन यू अराइव्स, व्हेन शी अराइव्स टुनाइट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटरप्टेड एक्शन, इंटरप्शन स्पेसिफिक टाइम में होती है, इसमें स्पेसिफिक टाइम मेंशन करते हैं, टुनाइट एट 8 PM आई विल बी वॉचिंग टीवी। फिर पैरेलल एक्शंस की बात करते हैं, एक ही जगह पे पैरेलल एक्शन तो फॉर्म हो रहे हैं लेकिन हम उसे फिर भी फ्यूचर में हम जो है वो उसको डिस्कस, आई एम गोइंग टू बी स्टडिंग व्हाइल चीज लिखूंगी, दो काम हो रहे हैं दोनों चीजें हम कंटिन्यू से डिस्कस करें। फिर हमने पता कि पैरेलल एक्शंस तो परफॉर्म हो रहे हैं लेकिन उसके साथ एटमॉस्फेयर का भी एक एलिमेंट हम ऐडअप कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें आती है, जब हम उसको ऐडअप करेंगे वो भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ही ऐडअप करेंगे। फिर राइटिंग ऐसे की हमने बात कर ली थी कि हमने ऐसे तो हमने पैराग्राफ लिखा था, पॉइंट्स वही हैं आपके ऐसे राइट करने के भी, लेकिन पैराग्राफ में ये होता है कि आपने एक पैराग्राफ लिखना होता है स्पोर्टिंग आइडिया में, स्पोर्टिंग आइडियाज के साथ, लेकिन इसमें आपने डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखने होते हैं स्पोर्टिंग आइडियाज के, फॉर मतलब एक तो आपने टॉपिक सेंटेंस क्रिएट करना है उस पर स्टिक रहना है एक पैराग्राफ में, और अगले पैराग्राफ में जब ऐसे मतलब डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं ना, पैराग्राफ्स में जाके आपने डिफरेंट पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस को लेकर एक पैराग्राफ में एंड करना है, कंक्लूड करना दूसरे टॉपिक सेंटेंस को फिर दूसरे में, मतलब इस तरह आपने डिफरेंट फिर टाइप सीखे थे हमने, नरेशन, डिस्क्रिप्टिव, पर्सुएसिव, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट, ऐसे, ठीक हो गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने पढ़ा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपका जो है वो मतलब एक होता है कि आप कोई टॉपिक दे दो बच्चों से, पूछो कि हाँ ये चीज आपने पहले पढ़ी हुई है, आपके माइंड में कोई आइडिया है, और मतलब अगर मैं कोई एजुकेशन की बात करती हूँ तो आपके माइंड में आइडिया हो आप एजुकेशन और ब्रेनस्टॉर्म मैं करूँगी, हाँ इसको ऐसे करें, हम नए आइडियाज लेके नए पॉइंट्स लेके हैं, कोई एजुकेशन में क्या क्या चीजें ऐडअप हो सकती है, वो आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं ताकि आपके माइंड में आइडियाज जो है वो डिवेलप हो जाए, आप उसके बाद कोई ऐसे कोई पैराग्राफ लिख दो, ठीक हो गया। ट्रांजिशन वर्ड्स आपने यूज करने बहुत ज्यादा होते हैं ताकि इससे आपका एक्सप्रेशन जो है वो अच्छा हो जाता है। कंक्लूजन देना आपने लास्ट पैराग्राफ में, एडिट जरूर करना ताकि आपके जो मिस्टेक्स हैं वो आपको पता चल सके। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होता है आपका, सेमी पैराग्राफ उनको लेबल करें ताकि आपके आइडियाज जो हैं वो आपको समझ आ जाए कि ये क्या क्या चीजें हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टुडे, आई होप आपको आज का लेक्चर को अच्छे से समझ आ गया होगा, और इन केस यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछें, यू कैन आस्क मी, ताकि आपको ताकि मैं आप लोगों के साथ ओवरऑल डिस्कस कर सकूँ उसको, और आई होप आपने टाइम निकाला अपना अच्छा पूछा होगा आपका टाइम पढ़ने में, और कोई भी प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं आप मुझसे पूछें ताकि आपकी जो क्वेरी है वो दूर हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।